चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। समाज में रूढ़िवादी परंपरा का जीता जागता उदाहरण मनेन्द्रगढ़ में देखने को मिला है, जहां एक महिला को प्रेम विवाह करने के बाद पति को कंधा देने वाले रिश्तेदार तक नहीं मिले, वहीं अपनों ने बेसहारा बना दिया। जहां मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस सहारा बनी, वहीं सिटी कोतवाली प्रभारी ने पुलिस कर्मियों के साथ मृतक का अंतिम संस्कार उसके 2 साल के बच्चे और पत्नी की मौजूदगी में किया है। जहाँ सिटी कोतवाली प्रभारी सचिन सिंह 2 साल के दुधमुए बच्चे के साथ शव को आग देते हुए नजर आए हैं। महिला थाने आई, एक एम्बुलेंस खड़ी थी, आके बोली कि मेरे पति का देहांत हो गया है, अंतिम संस्कार के लिए मदद चाहिए, आसपास कोई भी चीज परिचित नहीं है, ना ही मेरे परिजन यहाँ कोई उपलब्ध है। तत्काल जो है संबंधित तथ्यों से श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री टी आर कोशिमा सर को अवगत कराया गया और मृतक के मृत होने के कारणों के संबंध में जानकारी दी गई। जानकारी दौरान पता लगा कि ये जो है रायपुर में बीमार था, मृत हुआ, वहां से जो है इसको मनेन्द्रगढ़ के लिए लाया जा रहा था। बीच में जो है इसकी बॉडी को छोड़कर जो है चालक द्वारा भागना बताया। आमजनों के सहयोग से थाना रतनपुर में जो है इसके पंचनामा कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम उपरांत ये मनेन्द्रगढ़ आई। मनेन्द्रगढ़ में रात में ही इनके रुकने की व्यवस्था की गई और सुबह कोतवाली स्टाफ, साइबर स्टाफ, एमसीबी पुलिस के साथियों के सहयोग से और आमजनों के सहयोग से इसके महिला थाने